रखा नहीं रखा तो माल वापस दे दिया, तो वापस लेके मैं आया सुंदरपुर। ठीक है सुंदरपुर, ये है पहाड़िया मंडी का गेट। तो गुरु पहुंच गए हाजीपुर और बारिश देख सकते हैं किस कदर भाई इस महीने में। तो भाई देखो खाना वाना खा के आ गया, आपको बताया ही, और जो है अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। तो मतलब निकलना ही है बस, और इस वाली वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हर रोज़ ऐसी वीडियो पहुंचती रहे। मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। तो गुरु देखिए हम ताजपुर मंडी में हैं। पहले वाली वीडियो में मतलब पहला पार्ट आपने देखा ही होगा, वही वीडियो कंटिन्यू है। तो यहाँ से हम निकलने वाले हैं ताजपुर से घर के लिए। बारिश का मौसम बहुत तगड़े वाली हो रखी है, बारिश हो भी सकता है कभी भी। देखिए छेठो माल बचा था, हम बताए थे कि लेके जाना है इसको, ले जाके इसको हम सुंदरपुर छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो है इसको सुंदरपुर छोड़ना है मतलब मंडी में बनारस, और उसके बाद जो है 300 किलो माल बच गया भाई, और थोड़ा सा गड़बड़ था जिसकी वजह से नहीं लिए, पर क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है अपन निकलेंगे और अब आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और बने रहिए हमारे साथ, मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये चाबी चालू करते हैं और उसके बाद जो है देखते हैं निकलते हैं। तेल भी दो खुटी बचा है बस, और रात को चेक लाइट जल गया था और स्टीयरिंग, अरे बोल रहे स्टीयरिंग क्या, अरे अरे देखिए चक्का स्लिप कर रहा है, बच गया चक्का स्लिप कर रहा था। तो यहाँ से अपन निकल रहे हैं और अब यहाँ से सीधे चलते हैं घर के लिए। पहले चलेंगे बनारस, इसको छोड़ना है उसके बाद। तो गाड़ी देख ले पहले, गाड़ियाँ आ रही है कि नहीं, इधर से तो नहीं आ रही भैया। तो अपन निकल जाते हैं और ये रोड पे आ गए। ठीक, खाना यहीं खाए थे, तो चलिए अब चलते हैं आगे, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई पता नहीं क्यों जो है वो जाम लगा हुआ है, आई मीन ट्रैफिक, ये देख सकते हैं, और उधर कुछ हुआ है शायद इसीलिए ट्रैफिक लगी हुई है, पर पता नहीं भाई, ग्लास पे पूरा पानी पड़ गया है। तो मैप में पहले चेक करूं कि ट्रैफिक कितना दूर है, क्यों है, उस हिसाब से कोई रास्ता देख के निकल लेंगे। किसी का एक्सीडेंट वेंट हुआ होगा इसीलिए ट्रैफिक लगा है। तो भाई देखिए यही ट्रैफिक लगा है और किसी को आने जाने नहीं दे रहे हैं। हुआ यू मैटर है कि किसी दारू पीने वाले को पुलिस ने उठा ले गई है, और इन लोगों का कहना है कि वो दारू पीता नहीं है, गलत उठा ले गई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक लिया है। देखिए ये बिहार का युवा है और ये बिहार की भविष्य है, जो हाथों में डंडा लिए रोड पर खड़े होकर दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं, और ये अपने आप को इसमें ये लोग गवर्नमेंट को कोसते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में सबसे ज़्यादा है, ऐसे डंडा लेके खड़ा रहिएगा तो बिहार बदलेगा। हैं, बिहार को बदलने के लिए डंडा नहीं कलम उठाना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो भाई गांव के रास्ते से जाना पड़ रहा है, वहाँ लौंडे हटे नहीं, अब इनको क्या बोला जाए यार। भाई कसम से सही में बिहार की स्थिति बड़ी ख़राब है, सरकार को सब दोषी देते हैं, एक छोटी मनीष का सेपवा है इसला तौर बकलंड है भैया, हमको समझ में नहीं आता है। बिहार का भविष्य ऐसे सिमट रहा है, दारू गांजा पीने में जेल जा रहे हैं, तो सड़क चक्का जाम कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है कि एम्बुलेंस होगी, कोई फंसा होगा मर जाएगा, किसको अरे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ का जनता ही जनता को तकलीफ दे रही, तो सरकार काहे नहीं देगी बड़े भाई बताइए। अरे रे रे कैसे चली बिहार भैया। तो गुरु मेन रोड पे पहुंच गए और ये देखिए ट्रैफिक, मतलब हमारा साइड भी जिन साइड से हमें जाना है वो साइड भी ये लोग लॉक करके रखे हुए हैं, पर बढ़ेंगे, बढ़ गया पिकअप वाला अपना एक, मैं भी बढ़ूँ धड़ाम से और यहाँ से निकले भैया, क्योंकि अरे अरे देखिए हम आपको ट्रैफिक दिखाते हैं कितना ट्रैफिक है। क्या पे रहो सारथी, ग्लास गंदा भैया, थोड़ा इग्नोर करें, और ट्रैफिक आप देखिए कितना, अरे भैया ये साइकिल मालिक, तो भैया अरे बार बार ज्यादा ट्रैफिक है नहीं, यही लोग लगाए पड़े हैं बस।
तो गुरु पहुंच गए हाजीपुर और बारिश देख सकते हैं किस कदर भाई। इस महीने में ऐसी बारिश के सामने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दिखाई दे रहा है। मेरा वाइपर खराब हो गया भैया चलते चलते वाइपर ही हो गया है बंद, तो अब इसमें जो है हो गया दिक्कत, ये अब दिखाई तो दे नहीं रहा है, करे तो करे क्या। पर बारिश है तगड़ी, इधर भी देख सकते हैं। तो अब जहाँ बारिश बंद होगी वहाँ कपड़े से साफ करेंगे, क्योंकि मुझे रोड साफ दिखाई दे रहा है एकदम। वाइपर की ज़रूरत है नहीं, सामने हाजीपुर पुल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर देखते हैं आगे इसको साफ करेंगे कहीं। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं बक्सर गोलंबर, ये बक्सर गोलंबर है भैया, और यहाँ से अपने को सीधा जाना है। मैं जैसे रात को आया था मुझे ये रास्ता सही लगा, तो मैं वापस इसी रास्ते से जो है वापस भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रास्ता ठीक लगा भैया, क्योंकि दिक्कत नहीं समझ में आया। और सीधा सीधा रास्ता है, ज़्यादा डिस्टर्बेंस है नहीं, और पूरा बना हुआ हाईवे है देखिए एकदम टॉप। बारिश हो गया फिर ग्लास गंदा हो गया, कितना ग्लास साफ करूँ अब। तो मैं आ गया यहाँ पे भाई, और इसके बाद जो है यहाँ से निकल रहा हूँ मैं अब घर के लिए। घर के लिए नहीं, छः बोरा जो माल है वो सुंदरपुर छोड़ना है, तो यहाँ से चलेंगे सुंदरपुर छोड़ने। बेटा के बाद बारिश ही होती रही, अरे हाजीपुर के बाद बारिश कंटिन्यू होती रही। अभी बारिश लगभग आरा तक हुई है, आरा के बाद मैं डायरेक्ट फिर यहाँ आ गया हूँ। तो अब चलिए ये बॉर्डर आ गया, बॉर्डर क्रॉस होते हैं फिर मिलते हैं, तो बातें करते हैं। तो गुरु पहुँच गए गाजीपुर, फिर से वापस आ गए लौट के भैया, बक्सर से गाजीपुर हो गए। और ट्रक वाले अभी भी नहीं मान रहे हैं, सिटी के अंदर से इनको बाईपास बना दिया गया, फिर भी सिटी के अंदर से आ रहा है भैया, मतलब क्या चाहते हो भाई। और बाइक वाले सेती भर का रतिया को भी हैं, सेती भर का इन द सेंस कि बहुत सारे। और रात के 9:30 बज गए हैं, इतना ज़्यादा लोग है। ए चचा सीधे देखो उधरिया के हो, चाचा बार बार मुड़ के राइट साइड में देख रहे हैं, जैसे क्या बोले चाचा जाने दीजिए, उम्र का लिहाज है बस। तो भाई देखो मैं पहुंच चुका हूं बनारस, और रात के भी बज रहे हैं 2:30। तो अब सोचिए कि मैं 9:30 था गाजीपुर, 2:30 बनारस कैसे भाई। नींद इतना तेज आ रहा था रास्ते में, लगा के मैं सो गया, मैं अब जाना कौन सा मंडी देना है, घर ही जाना है, आराम से चलते हैं भैया। तो नींद लग रहा था मुझे सैदपुर के आसपास, सैदपुर औडिहार, तो वहाँ पे उधर ही मैं सो गया। सो के उठाऊँ तो देख रहा हूँ 2:30 बज रहा है, तो हम कह चलो निकलते हैं भैया। तो अभी 3 बज गया, आधे घंटे में वहाँ से मैं यहाँ आ गया। तो गुरु देखिए पहुँच चुका हूँ पहाड़िया मंडी, ये देखिए पहाड़िया मंडी का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, और मैं गेट दिखाता हूँ आगे आपको पहाड़िया मंडी का। बहुत दिन बाद गेट के सामने आया हूँ यार, ये है पहाड़िया मंडी का गेट। हाँ अच्छा लगता है देख के भाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं इस रास्ते से। पहाड़िया मंडी को देखे बहुत दिन हो गए थे मेरे को, बहुत दिन नहीं बहुत महीने, आज अचानक इस रास्ते से गुजरना हुआ तो दिख भी लिए भाई। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो गुरु देखिए पहुँच चुका हूँ पहाड़िया मंडी, ये देखिए पहाड़िया मंडी का आपको बोर्ड दिख रहा होगा, और मैं गेट दिखाता हूँ आगे आपको पहाड़िया मंडी का। बहुत दिन बाद गेट के सामने आया हूँ यार, ये है पहाड़िया मंडी का गेट। हाँ अच्छा लगता है देख के भाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं इस रास्ते से। पहाड़िया मंडी को देखे बहुत दिन हो गए थे मेरे को, बहुत दिन नहीं बहुत महीने, आज अचानक इस रास्ते से गुजरना हुआ तो दिख भी लिए भाई। चलिए यहाँ से चलते हैं फिर आगे मिलते हैं। तो भैया ऐसा है कि मैं पहुँच गया अपने मार्केट में अदलाहट, और यहाँ भाई फॉग है, कोहरा पड़ा हुआ है, बारिश के बाद दबा के कोहरा है, मतलब कैमरे में दिख रहा है कि नहीं पता है, पता नहीं, पर इन सारे घरों के पीछे जो है कोहरा है। तो आगे चलेंगे तो और भी ज़्यादा होने लग रहा है। सुबह के बज गए हैं 6:30, 5:30, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता हूँ ठीक है 5:30 हो गया है, मार्केट खुलना चालू हो गया है, चाय वाय की दुकानें खुल गई हैं, हालांकि हमने चाय पी ली है, हमें फ्रेश होना था, तो हम कहे पहले चाय वाय पी लेते हैं उसके बाद फ्रेश होएंगे मस्त। तो चाय वाय पी के फिर फ्रेश हो लिए और
अब यहाँ से निकलेंगे तो अपने को भराना है अभी डीजल, गाड़ी का टैंक फुल कराएंगे, टैंक फुल करा के फिर जो है चलेंगे घर। तो हाँ देखिए बोला ना, जैसे मार्केट क्रॉस होंगे आप, आपको फॉग दिखना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये फॉग में पूरा धुंधला धुंधला बाजार यानी मार्केट। तो चलिए अब पेट्रोल पंप पे चलते हैं, तो मिलते हैं आप सभी से। तो गुरु डीजल डला गया, अब यहाँ से निकलते हैं घर। मैं ज़्यादातर भाई देखो एसआर पंप पे ही तेल डलाना अच्छा समझता हूँ, क्योंकि इनका तेल बहुत अच्छा होता है, एवरेज ठीक ठाक देता है, इस वजह से मैं यहीं पे तेल डलाता हूँ। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, फिर अब मिलते हैं आप सभी से, आप घर पे ही मिलेंगे भाई। चलेंगे अभी, देखिए मॉर्निंग सुबह है तो सोना तो है नहीं, देखिए सोएंगे तो है नहीं, बाकी अब घर पे चल के देखिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बारिश हुआ है पूरा, ये सब पैड वैड जो है पैर के पास वो सब मतलब क्या बोलते हैं यार, उसमें सब मिट्टी विट्टी घुस गया है चप्पल अप्पल का, तो वो सब साफ आफ करेंगे फिर देखेंगे क्या है कैसा है। तो चलिए बस यहाँ से चलते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। हाँ गुरु गुड मॉर्निंग महादेव, सुबह हो गई और मैं जो है घर गया, घर से वापस आ गया तेल लला के, मतलब घर गया वापस रोड पे आ गया, चुंडी का वेट कर रहा हूँ। चुंडी का वेट इसलिए कर रहा हूँ कि जाना है लोडिंग पे, सुबह सुबह आ गया है अपना एक भाड़ा मछली का। भैया देखो भाड़ा वाड़ा मिल नहीं रहा है, तो भाड़ा जब आए तो भाड़ा मारना बहुत ज़रूरी है, दिन हो रात हो दोपहर हो फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे, मतलब भाड़ा मारना है चाहे जैसे। तो चुंडी जाएगा लोड करने, मुझे एक काम है बनारस में, जाके उसको फटाफट निपटा के चले आऊँगा और उसके बाद जो है चुंडी लोड करके तब तक आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग निकल लेंगे जहाँ का लोडिंग है वहाँ का। तो मछली पहली बार लोडिंग करने जा रहा हूँ इतना लंबा, क्योंकि मछली एक दो बार लोड किया हूँ गाड़ी में, मैं मछली वछली लोड करता नहीं हूँ, देखो बात जो है साफ। तो अब लोड करना पड़ रहा है भाई, भाड़ा नहीं है क्या करें, मजबूरी में मछली लोड करना पड़ रहा है। तो मछली लोड करके आज जाएंगे फिर से बिहार, पर बिहार में कहाँ वो आपको बताएंगे बाद में। तो चुंडी का वेट करते हैं, वो आता है उसको गाड़ी देते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। तो भाई चुंडी को जो है हमने गाड़ी दे दी, गाड़ी देने के बाद अब चल रहे हैं घर पे। भाई मौसम इतना सर्द हो गया घर पे, क्या मैं जैकेट डाल लिया और ठंडी लग रही है बहुत तगड़े वाली, कहने का मतलब बहुत तगड़े वाली। आपको मौसम दिखाओ बाहर, देखिए ये है मौसम हालात, आगे देखिए गाँव है पूरा धुंधला दिख रहा है, फॉग मतलब इतना ज़्यादा कोहरा है, इधर भी देखिए ये पूरा कोहरा घेरा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से जो है मौसम एकदम ठंड है, शरीर हिल जा रही है, वाइब्रेट हो जा रहा है एकदम, ठीक है। तो अब चलेंगे घर, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होएंगे, वो काम करने जाएंगे बनारस, जो काम है उसको करके फिर यहाँ से निकलेंगे, तब तक चुंडी आ जाएगा, तो देखते हैं। तो गुरु इस वीडियो को जो है यहीं एंड करते हैं, भाड़ा बता देता हूँ मैं आपको, ताजपुर का जो भाड़ा लगा था मुझे, इस बार भाड़ा बहुत कम दिया है, क्योंकि माल कम था और 6 बोरी माल वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि वो माल इन लोग को क्या सिस्टम है भैया, परेशान हम होते, 6 बोरी माल था उसको रख लिया होता, पर नहीं बंदा नहीं रखा तो माल वापस दे दिया। तो वापस लेके मैं आया सुंदरपुर, ठीक है, सुंदरपुर वापस आया और उसको जो है, हाँ सुंदरपुर वापस आया और उस माल को खाली किया, और भाड़ा मुझे मिला था 6000, अरे सॉरी यार 11500 रुपये। मैं बनारस से गया वहाँ पे, मतलब ताजपुर, 6000 रुपये भाड़ा मिला था मुझे, और दूरी तो आपको पता है 380 किलोमीटर है, ज़्यादा है नहीं, माल भी 25 क्विंटल लोड था। तो बस, तो इस वीडियो का एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुंचती रहे, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर फॉलो करिए। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।